आगे बढ़ते हुए एनडीएस न्यूज टीम ब्लॉक उदर के स्थित बहादुरपुर राजपूत ग्राम पहुंची। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान लक्ष्मी देवी जिनके कार्यकाल में इस गांव की पंचायत में कुल 1300 वोटर तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 307 दिखाई देती है। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए बताया कि गांव में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में उनके द्वारा लगभग 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही साथ बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 100 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए। बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में प्राइमरी पाठशालाओं में लगभग 107 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आ। गांव के विकास पर अगर नजर डालें देखते हैं कि गांव में उनके द्वारा गांव सीसी सड़कों का निर्माण भी कराया गया है, साथ ही साथ बरंडियों को भी बनवाया गया है। उन्होंने बताया कि गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से उन्होंने शौचालयों का निर्माण भी कराया है और पार्कों को विकसित भी किए हैं जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच न जाना पड़े और वह सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी हिस्सेदारी निभाएं। वर्तमान प्रधान ने गांव में सोलर लाइटें भी लगवाई हैं जिससे गांव के वासियों को अंधेरों से परेशानियों का सामना ना हो। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके घर में कारागार, कन्या जूनियर पाठशाला, स्वास्थ्य केंद्र व आवासों का निर्माण भी करवाया जाए जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के साथ प्रधान के द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा खिलाफ कार्य बहुत अच्छे से किया जा रहा है। ग्राम बहादुरपुर राजपूत तहसील मुरादी जिला मुरादाबाद में प्रधानपति इम्पाल सिंह गांव की जो समस्या है उन समस्याओं के लिए बता रहा हूँ कि मैंने बारात घर की जरूरत है गांव में। एक स्कूल है प्राइमरी और कन्या पाठशाला की बहुत आवश्यकता है और मैं विकास करा रहा हूँ गांव में। 8-7 मैंने सीसी टेल्स बिछवा दी हैं और ज़्यादा ज़्यादा विकास कर रहा हूँ गांव में। स्कूल में बढ़िया करा दिया है मैंने, स्कूल बहुत बढ़िया कर दिया है और मेरी समस्याएँ जो कम से कम पैसा आ रहा है उसे खत्म करके ज़्यादा ज़्यादा पैसे दें, मैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा विकास करूँगा और गांव को बढ़िया और स्वस्थ बनाऊँगा। और मेरी समस्या है बस ये, मैंने 150 शौचालय बनवा दिए हैं जिसमें 25 शौचालयों की हाफ किस्त आ चुकी है और 125 शौचालय की फुल किस्त रह चुकी है, वो बनवा दिए, यूज हो रहे हैं, लोग प्रयोग कर रहे हैं और नाली खरंजा सभी साफ सफाई शुद्ध करा रखी है, कोई समस्या नहीं है गाँव में, सब बढ़िया हो गया, अच्छा विकास हो रहा है। मेरा नाम राजीव कुमार, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर राजपूत, ग्राम पंचायत बहादुरपुर राजपूत। यहाँ प्रधान जी श्रीमती लक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम कराया है जैसे कि समरसेबिल लगवाया है, टॉयलेट की अच्छी करके मरम्मत कराई है, उसके बाद ये जो चार दीवारी आप देख रहे हैं बाउंड्री वाल ये सब कराई है, जो थी पहले से वो ऊंची कराई है, जो नहीं थी वो नीचे से जो बेकार हुई थी उसको तोड़ कर दोबारा बनवाया है, उसके बाद ये मिड डे मील का ये पीछे ही आपके है ये सब मरम्मत कराई है, ये दीवार कराई है और ये जो कमरों में गड्ढे वगैरह थे ये सब सही कराए हैं, ऑफिस का पूरा फर्श इन्होंने कराया है।